केरल के अंदर एक हथिनी विनायकी की हत्या चर्चा का विषय बना हुआ है। करीब 25 मई को हथिनी के द्वारा एक फल खा लिया जाता है जिसके अंदर विस्फोट पदार्थ भरा हुआ था। ये फल अनानास और नारियल बताया जा रहा है। इन फलों को सामान्यतः किसान अपने खेतों के बाहर सुरक्षा के लिए लटकाते हैं, जिसको करीब 25 मई को इस हथिनी ने खा लिया था। वजह से हथिनी का मुंह बुरी तरह से घायल हो जाता है और ये आराम पाने के लिए पास के अंदर एक नदी के अंदर जाके खड़ी हो जाती है। और गांव के लोग जब हथिनी को ऐसे खड़ा हुआ देखते हैं तो वन विभाग को सचेत करते हैं, लेकिन वन विभाग के द्वारा कोई मदद नहीं की जाती है फिलहाल तक। और हथिनी ऐसे ही दर्द के अंदर खड़ी रहती है। प्रशिक्षित हाथियों को लाया जाता है और हथिनी को निकालने की कोशिश की जाती है। हथिनी पास के गांव में जाके छुप जाती है और अगले दिन सुबह हथिनी वहीं उसी नदी में आके फिर से खड़ी हो जाती है, लेकिन वन विभाग की कोई मदद नहीं आती। दबाव के कारण वन विभाग की टीम आती है, लेकिन हथिनी को बिना किसी दर्द निवारक के उसका बस मामूली इलाज किया जाता है या इलाज करने का दिखावा किया जाता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार तीसरे दिन हथिनी शाम को दम तोड़ देती है और वो हथिनी गर्भवती थी।